जन्म और मृत्यु से परे अध्याय 5 श्री कृष्ण का संग करना। यदि कोई उच्च श्रेणी की किसी वस्तु को पा लेता है तो ये स्वाभाविक है कि वह निम्न श्रेणी की सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है। हम आनंद चाहते हैं, परंतु निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है कि हम भौतिक आनंद के आदि बन गए हैं। आनंद सर्वोच्च पुरुष के संबंध में होना चाहिए, पुरुष स पर, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम श्री भगवान से आमने सामने बात कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं इत्यादि। ये सब भक्तया अर्थात प्रेम पूर्वक दिव्य सेवा करने से ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस सेवा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें श्री भगवान से प्रेम बिना किसी भौतिक लाभ की आशा से करना चाहिए। श्री भगवान से एक होने के लिए उन्हें प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट वाली स्थिति है। आध्यात्मिक जगत और इस भौतिक जगत में एक मुख्य अंतर ये है कि आध्यात्मिक ग्रहों पर नेता या प्रमुख का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता है। हर स्थिति में आध्यात्मिक ग्रहों पर प्रमुख व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार होता है। सभी वैकुंठ ग्रहों में श्री भगवान और उनके विभिन्न अवतार ही प्रधान होते हैं। उदाहरण के लिए, इस पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंद्विता रहती है, परंतु वैकुंठ लोक में हर कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करता है। जो उनको ऐसा नहीं स्वीकारते हैं या विरोध करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, जो कि एक कारागार की भांति है। जिस प्रकार किसी शहर में कारागार होता है और कारागार सारे शहर का बहुत ही नगण्य भाग होता है, उसी प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड भी बद्ध आत्माओं के लिए एक कारागार है। आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य भाग है, लेकिन ये उससे बाहर नहीं है, जैसे कारागार शहर से बाहर नहीं होता है। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रहों के सभी निवासी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञात होता है कि उनके शरीर के लक्षण बिल्कुल श्री भगवान के शरीर जैसे होते हैं। इनमें से कुछ ग्रहों में श्री भगवान दो भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और अन्य में चार भुजाओं के साथ। इन ग्रहों के निवासी भी श्री भगवान की तरह दो या चार भुजाओं वाले होते हैं, और ये कहा जाता है कि कोई भी उनमें और श्री भगवान में अंतर नहीं देख सकता है। वैकुंठ जगत में पांच प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं। सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति है जिसमें कोई श्री भगवान का अव्यक्त अस्तित्व, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उसमें मिल जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्ति सारूप्य मुक्ति है, जिसमें किसी को बिल्कुल श्री भगवान जैसा ही रूप मिलता है। और एक दूसरे प्रकार की मुक्ति सालोक्य मुक्ति कहलाती है, जिसमें कोई श्री भगवान के साथ उसी लोक में रह सकता है। सारष्टी मुक्ति में किसी के पास वही ऐश्वर्य होता है जो श्री भगवान के पास होता है। एक दूसरे प्रकार की मुक्ति में कोई सदैव श्री भगवान के साथ उनका संगी बनकर रह सकता है, जैसे अर्जुन जो सदैव भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्र की तरह रहता है। मनुष्य को इन पांचों में से किसी भी प्रकार की मुक्ति मिल सकती है, परंतु इन पांचों में से सायुज्य मुक्ति अर्थात श्री भगवान के अव्यक्त पहलू में लीन हो जाना वैष्णव भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। वैष्णव श्री भगवान की उनके वास्तविक रूप में पूजा करना चाहते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, जबकि मायावादी निर्विशेषवादी दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोकर सर्वोपरि के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार विलीन होने की ना तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति की गई है और ना ही वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा के द्वारा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में इस विषय पर इस प्रकार लिखा है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तेर अहैतुकी त्वयी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, ना सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की ही इच्छा है, और ना मुझे बहुत से अनुयायी बनाने की ही इच्छा है,
मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं आपकी अहैतु की भक्तिपूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर लगा रहूँ। यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का उपयोग करते हैं। जब बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति पाने पर कोई या तो दिव्य लोकों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मुक्ति मिलती है या नहीं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावना अमृत में लगे रहकर श्री भगवान की सेवा करने की है। भक्त इसकी चिंता नहीं करता है कि वह कहाँ है, और ना इसकी ही चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो या और कहीं हो। वह श्री भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि वह श्री भगवान को भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगा रहने के योग्य बना रहे। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। निसंदेह भक्त चाहे कहीं भी रहे, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहता है, परंतु वह अपनी निजी उन्नति या सुख के लिए श्री भगवान से कुछ नहीं मांगता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जो उनकी भक्ति में लगे हैं वे सरलता से उनके पास पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं उनके लिए सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। उनको अपना स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। यत्र काले त्वनावृति मा वृतिम चैव योगिन प्रयाता यान्ति तम कालम वक्षयामि भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद कोई पुनः वापस आता है अथवा नहीं आता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी विशेष समय में अपना देह त्याग सके तो वह मुक्ति पा सकता है और वह फिर इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा। इसके विपरीत वह यह भी बतलाते हैं कि यदि कोई दूसरे समय में मरता है तो उसे फिर वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर अवसर की बात है, परंतु वे भक्त जो सदैव कृष्ण भावना भावित हैं उनके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की भक्ति के कारण उनके लिए श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश करना निश्चित है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में देह त्याग करके इस संसार से प्रयाण करते हैं। सूर्य 6 महीने विषुवत रेखा के उत्तर में रहता है और 6 महीने दक्षिण में रहता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है कि जैसे सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं वैसे ही सूर्य भी चक्कर लगाता है। यदि कोई उस समय मरता है जबकि सूर्य उत्तरायण में होता है तो वह मुक्ति पाता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसम ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्ल कृष्णे गति हियते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। जो योगी धुंध के समय रात्रि कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है या जो चंद्रलोक पहुंच जाता है वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश में जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार में जाने वाला पुनः लौट कर आता है। ये सब अवसर की बात है। हम नहीं जानते हैं कि हम कब मरने वाले हैं और हम आकस्मिक संयोगवश कभी भी मर सकते हैं, किंतु जो भक्ति योगी है, जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित है, उसके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है। वह सदैव विश्वस्त रहता है। नैते श्रिति पार्थ ज्ञानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, जो भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं वे कभी मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम सदैव भक्ति में स्थिर रहो। ये पहले ही कहा जा चुका है कि यदि कोई मृत्यु के समय
भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोच सके तो वह तुरंत ही श्री कृष्ण के धाम में स्थानांतरित हो जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाते हुए अविचलित भाव से मेरा ध्यान श्री भगवान के रूप में करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ध्यान लगाना कठिन लगता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करते हुए कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करे तो श्री भगवान तुरंत उसकी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है, श्री कृष्ण और उनका दिव्य धाम भी अभिन्न है। शब्द ध्वनि से हम श्री कृष्ण की संगति में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सड़क पर हरे कृष्ण का कीर्तन करें तो हम अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक उसी तरह जब हम ऊपर की ओर नज़र करके चंद्रमा को देखते हैं तो हमें लगता है कि चंद्रमा भी हमारे साथ चल रहा है। यदि भगवान श्री कृष्ण की निमन शक्ति हमारे साथ चलती प्रतीत होती है तो क्या यह संभव नहीं है कि जब हम उनके नामों का कीर्तन करें तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ रहें। वे हमारे साथ रहेंगे, परंतु हमें अपने आप को उनकी संगति में रहने के योग्य बनाना होगा। यदि किसी प्रकार हम हर समय श्री कृष्ण के विचार में मगन रहें तो हमें पूर्णतया विश्वस्त रहना चाहिए कि श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालह एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिना अनुराग। हे मेरे भगवान, आपका पवित्र नाम ही हर जीव का कल्याण कर सकता है, इसलिए आपके हजारों और करोड़ों नाम हैं, जैसे श्री कृष्ण गोविंद इत्यादि। इन दिव्य नामों में आपने अपनी सभी दिव्य शक्तियां भर दी हैं और इन पवित्र नामों का कीर्तन करने के लिए कोई कड़े नियम भी नहीं हैं। हे मेरे भगवान, आपने कृपापूर्वक अपने पवित्र नामों से आप तक पहुंचना सरल बना दिया है, परंतु मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे इनकी ओर कोई आकर्षण नहीं है। केवल कीर्तन करने से ही हम श्री भगवान की निजी संगति के सभी लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो केवल एक महान आत्मदर्शी पुरुष ही नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि यद्यपि इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार की कोई वास्तविक सुविधा नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस शब्द ध्वनि अवतार को युग धर्म अर्थात इस युग में आत्म साक्षात्कार करने की विधि के रूप में उपयोग करने के लिए प्रदान किया है। इस विधि के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि हमें संस्कृत भाषा जानने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हरे कृष्ण की ध्वनि तरंगे इतनी शक्तिशाली हैं कि कोई भी मनुष्य संस्कृत भाषा के तनिक भी ज्ञान के बिना तुरंत उसका कीर्तन करना प्रारंभ कर सकता है। वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन तपस्या यज्ञ दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता, अंततः वह परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वैदिक शास्त्रों के अध्ययन का उद्देश्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है और वह है श्री भगवान के धाम वापस जाना। सभी देशों के सभी शास्त्रों का यही एकमात्र उद्देश्य है।
सभी धार्मिक सुधारकों और आचार्यों का भी यही संदेश रहा है। उदाहरण के लिए पाश्चात्य देशों में ईसा मसीह ने भी इसी संदेश का प्रचार किया था। इसी प्रकार भगवान बुद्ध और मोहम्मद ने भी यही किया। कोई ये उपदेश नहीं देता कि हम इस भौतिक संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करें। देश, काल, परिस्थिति और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार थोड़ी सी भिन्नता भले ही हो, परंतु मुख्य सिद्धांत कि हम इस भौतिक संसार के लिए नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत के लिए बने हैं, सभी सच्चे आध्यात्मवादियों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। आत्मा की आंतरिक इच्छाओं की संतुष्टि के सभी चिन्ह जन्म मृत्यु से परे भगवान श्री कृष्ण के लोकों की ओर संकेत करते हैं।